मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं, उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की मेट्रो ट्रायल रन को आज हरी झंडी दिखाकर खुद मेट्रो में सवार होकर करीब मेट्रो ट्रेन से 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं। आप देखेंगे कि ऊपर से मेट्रो ट्रेन जा रही है, भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के पहले या दूसरे माह से भोपाल वासियों के लिए मेट्रो में सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी और वो इसमें बैठकर सवार होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आते ही इसमें जनता का भला तो हो रहा है, अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में मेट्रो से कितना कुछ फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ये आप देखेंगे कि करीब 4 डिब्बे की ये मेट्रो ट्रेन है जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें सवार हैं और करीब 5 किलोमीटर का ट्रायल रन है। ये ट्रायल रन लेकर ये मेट्रो ट्रेन हबीबगंज स्टेशन के मेट्रो पहुंचेगी। मेट्रो स्टेशन पर एक प्रेस ब्रीफ भी होनी है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पूरा सजाया गया था मेट्रो ट्रेन के, यहाँ पे डब्बे कोच लगाए गए हैं, किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई गई हैं। आप देखेंगे भोपाल मेट्रो परियोजना अवलोकन, कुल लंबाई 30 और एल्टीवेट भूमिगत तमाम तरीके से सारी योजनाएं बताई गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि शिलान्यास का भी कुल लागत यहाँ पर बताई गई है, 6,940 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में मेट्रो की सौगात मिली है भोपाल वासियों को। यहाँ की आप देखेंगे करीब 30 किलोमीटर के दायरे में यह मेट्रो ट्रेन चलनी है। करोच चौराहा, कृषि उपज मंडी, DIG बंगला, सिंधी कॉलोनी, नादरा बस स्टैंड, भोपाल स्टेशन से तमाम, आप देखेंगे भोपाल में जितने भी क्षेत्र हैं विधानसभाओं में तमाम, इसमें पुराने भोपाल और नए भोपाल के दोनों ही भोपालों को इसमें समावेश करके दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे अब काफिला निकल चुका है, इस काफिले में आप देखेंगे कि रानी कमलापति स्टेशन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मेट्रो में बैठकर सवार होकर यहां से गए हैं। करीब 6 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, उसके बाद वहां पर लोगों से पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे। आप देखेंगे ये सारी योजना, ये जिस तरीके से जब यहां पर ट्रायल रन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ये मेट्रो ट्रेन की जिस तरीके से शुरुआत हुई उसका भी ट्रायल रन की कुछ फोटोज और एक पूरा का ब्रीफ बनाया गया है जिससे कि लोगों को दर्शा सकें कि किस तरीके से मेट्रो ट्रेन का काम हुआ है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी ट्रायल रन आज स्टार्ट हो गया है जिसको हरी झंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई है। उनके साथ उनके भोपाल के विधायक और मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ से वो निकल चुके हैं, करीब 6 किलोमीटर का ये रोड मैप था जिसमें उनके साथ तमाम तरीके के पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जो उनके साथ विधायक और मंत्री थे वो सारे लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव करीब 2 से 3 महीने बाद होने वाले हैं, उससे पहले भोपाल वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। अब इसका कितना क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, भारत सरकार को मिलता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट उबेस के साथ जीशान अली, मृदुवासी, भोपाल।